भारत माता की भारत माता की। इसमें कोई मशीन में दिक्कत आ रही है? अच्छा, इसमें से कुछ छूट जाएगा? ये मशीन लोहे की है, इसमें गल जाएगी? ये जिंदगी में कुछ ना हो रहा इसका। अच्छा, मुझे तो कई साल हो गए, हमारे ना तो ड्रम घिसा ना मेरा ये डंडा घिसा, लाखों रुपए और कमा लिए। सच्चाई देखो दिखा रहा हूँ। है कुछ आप मिलाना? कुछ है गड़बड़ तो ना हो रही कहीं? बताओ, सब नॉर्मल है? अच्छा, अब जैसे इससे मिला दिया और उसको हमने भर दिया, अच्छा मशीनों में और इसमें अंतर कहाँ रह गया? क्वालिटी का अंतर मेरी समझा नहीं। तो पानी में और इसमें मिला देंगे तो कोई अंतर तो कुछ भी नहीं, चाहे इससे मिला लो चाहे मिला लो, बस उसमें ये टाइमिंग है इतनी देर में वो मशीन में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, इसमें आप खाली लापरवाही ना करो और जितना अच्छा करो। और ट्रांसफार्मर फूक गया तो वैसे ही खराबी हो गया रह जाएगा। मेरा नाम कुलदीप है, मैं सिरसा हरियाणा से आया हूँ। इसी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग का एक दिल्ली में एक ने 10,000 बोला था एक प्रोडक्ट का। हाँ, और एक ने 15 10,000 के हिसाब से तो 1,00,000 हो गए, 15 के हिसाब 1,50,000। आपने 3,000 में सब बताया, जिसमें खाना नाश्ता भी है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, रात को रुकने की व्यवस्था है सारी पूरी, और आगे गाइडेंस भी मिलेगी आपको, ऐसी बात नहीं। नमस्कार, स्वागत है काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट में, मैं आपका साथी योगेंद्र चौधरी। हर संडे के संडे आप देखते हैं किस तरीके से यहाँ भीड़ रहती है और किस चीज़ की भीड़ रहती है, मैं आपको बता देता हूँ। पानी से पैसा किस तरीके से कमाते हैं, यानी कि छोटे से इन्वेस्टमेंट में बिना मशीन के आप अपने गाँव क्षेत्र में रह के और बिना मशीन के सारे, देखिए सारे सामान हमने बनाए, बहुत अच्छी क्वालिटी आप बना सकते हैं बिना मशीन के और हाथों से ही बना सकते हैं, डंडा और वो इलाके सारा खेल उसी का है। देश भर से पधारे सभी लोगों का स्वागत करता हूं और सबका धन्यवाद देता हूं। फीस 3100 रुपये होती है, जिसमें आपका खाना नाश्ता डिप्लोमा सर्टिफिकेट बुकलेट और 10 प्रोडक्ट पूरे सुबह 9:30 बजे से 10 बजे से और शाम को 5:30 बजे तक होता है। कहने का मतलब है रात में रुकने की व्यवस्था भी हमारी तरफ से ही रहती है, आप कहीं बाहर से आ रहे हैं शनिवार के दिन होती है वो। देश भर से पधारे लोगों का स्वागत करता हूं। और काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार आपको पता है बहुत सारे जिलों में हमारी एक्टिविटी चल रही है। अभी बिहार के अंदर पटना के अंदर ब्रांच खुलने वाली है बहुत जल्दी। और कह दूं मैं आपके लिए, काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट को सपोर्ट करिए, आप हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा लक्ष्य है 2025 तक 500,000 रोजगार पैदा करना है, उसी की कड़ी में हम काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे हर संडे के संडे किस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, देश भर से आते हैं, विदेश से भी आते हैं, आप भी आइए, आप सबका स्वागत है। बात करवाता हूँ सभी से, देश भर से पधारे सभी लोगों से, उनके क्या अनुभव रहे, क्या वो कहना चाह रहे हैं, उनकी बारी है जी। क्या नाम है और कहाँ से आए सर? सर नमस्कार, मेरा नाम निरंजन, गाजियाबाद के पास रहता हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं जानकारी लेना चाहता हूँ, मैं अपने को करना चाहता हूँ जी। जी क्या नाम है सर, कहाँ से आए? शर्मा आ रहे हैं जी, क्या नाम है और कहाँ से आए? मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं पटियाला से आया हूँ, पंजाब से। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा जी, जो सर ने एक्सपीरियंस दिया, एक बहुत ही डाउन टू अर्थ दिया, और ताकि हम अच्छा कर सकें, और बिल्कुल एक एक चीज़ का एक्सप्लेन किया, केमिकल जो यूज़ किए। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने एक्सपीरियंस दिया हमें भी, और खाने खुने की सभी सुविधा बहुत अच्छी है, सब रहने का भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, आप भी आएँ और सीखें। अच्छा, रात में आप आए थे तो कोई पैसे वैसे तो नहीं दिया, कोई होटल वोटल? नहीं नहीं, कुछ नहीं दिया, आप आराम से कम्फर्टेबली रह सकते हैं। इनको तो मैं छोड़ के आया था रात में। बिल्कुल, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है और कहाँ से आए? मेरा नाम अनुराग सिंह है, मैं लखनऊ से आया हूँ जी, आपकी वीडियो को देख के। बस यही कहना, बस लखनऊ से आए थे। और युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप तो माल लेके जा रहे हैं, कितने का माल लेके जा रहे हैं? माल ले जा रहे 65,000 का। ये कल आए थे और इन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी, कब ली थी? लमसम वही 6 महीना हो रहा होगा, 6 महीने पहले। अब ये कल आए थे और आज की ट्रेनिंग में शामिल है जी, इनका 65,000 का माल जा रहा है। दूसरा ये कि देखिए, युवा है आज की डेट में, अगर रिस्क ले रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे, तो इससे बढ़िया चीज और क्या है? अच्छा, युवाओं के लिए क्या कहेंगे ये बता? अरे मैं कहना चाहूंगा, नौकरी छोड़ के अपना खुद का कोई ना कोई काम करें, नौकरी मत करें, बेकार बिजनेस करें। देखो बिजनेस में आदमी कभी भी रिटायर नहीं होता है, और अपना बिजनेस अपना होता है, बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा सा मालिक बन जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर क्या नाम है और कहाँ से हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम कुशल सरेक है, और मैं हिमाचल प्रदेश से सिरमौर ज़िले से आया हूँ जी। तो मैंने यूट्यूब के माध्यम से 2 हफ्ते पहले ही ये आपका देखा था, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इस बारे में खुद ही प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देख के समझ लूँ। थैंक यू सर जी। क्या नाम है सर, कहाँ से आए? नमस्कार, मेरा नाम महादेव अशोक राजे, मैं लातूर से आए जी, महाराष्ट्र, और इधर ट्रेनिंग लिया। अभी ट्रेनिंग लेने के बाद अभी काम चालू करेंगे थोड़ा थोड़ा। कब आए थे? कल ही आ गए थे आप? हाँ, कल ही आ गए थे, इधर खाने पीने का सब व्यवस्था हो गया जी। चलिए, आपका सर नाम? और मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं बरेली से आया हूँ। मैंने रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही आपकी वीडियो देखी थी जी, मैं सर्च मार रहा था, तो मैं कल आपसे मिलने आया था।
अच्छा। मुझे फिर ट्रेनिंग का यहाँ आके पता चला, तो मैंने यहाँ आज ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली और सारा कुछ बढ़िया है, अच्छे से प्रोडक्ट की जानकारी भी मिल रही है। और कुछ करना है तो रिस्क तो लेना होगा, थोड़ा रिस्क लोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। जी जी जी। और अपना जो धंधा होता है वो अपना ही होता है। जी। अच्छा, आपको किसी को लगा कि ये मशीनों का काम है, आप अंदर फैक्ट्री में भी गए, कुछ लगा कि ये मशीनें ग्राउंडर लग रहे हैं क्या? जीरो जीरो इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा मशीन वालों से, देखिए आज मैंने एक चम्मच से मिलाया है गिलास में, मान लेते हैं अब ये मैं अगर ड्रम में मिलाऊं तो ये तो ना तो ड्रम मना करेगा कि, देखो मशीनों का काम ये होता है कि आदमी का मिला के दे देना, क्वालिटी का कोई फर्क नहीं है, कहते हैं कि क्वालिटी बनेगी मशीनों से ही बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, चक्कर मत बजाना, हम भी बनाते हैं जो मेहनत। हाँ, आपका काम जब बढ़ेगा, खुद मशीनों की आवश्यकता होगी, अब मान के चलो किसी के पास 10-20 हज़ार का बजट है, वो मशीनें ही ला के रख देगा तो फिर वो माल कहाँ से खरीदेगा, पैकिंग पाउच कहाँ से लेगा, बोतल कहाँ से लेगा, सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है और सर कहाँ से आए? मेरा नाम नेपाल सिंह है, मैं हरियाणा भिवानी से आया हूँ जी, और मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है और ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, जिससे आदमी स्वयं रोजगार कर सकता है और अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। जी, और क्या कहना चाहेंगे हरियाणा वालों? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जॉब की बजाय खुद का बिजनेस करें और दूसरों को रोजगार दें। जी, बस धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम और क्या नाम है? मेरा नाम रहन सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। क्या मैं कुछ दिनों से आपकी वीडियो, लगभग 6-7 महीने से आपकी वीडियो देख रहा था, बड़ा अच्छा लगा, यहाँ आके सब कुछ अच्छे तरीके से सिखाते हैं आप लोग। आप रात को कितने बजे आए थे? मैं रात को करीब 9:30 बजे पहुँचा था सर, और आप मेरे को छोड़ने भी आए थे, खुद की गाड़ी लेके आए थे। हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। रात में रुकने में? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपका नाम क्या और सर कहाँ से आए? जी खुर्शीद है, मेरा नाम गजरौला से आए हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, बढ़िया है प्रोग्राम आपका, रोजगार मिलेगा, अच्छी बात है, बढ़िया मिलेगा। जी, क्या नाम है सर, कहाँ से आए? जी नमस्ते सर, मेरा नाम खुशहाल शर्मा है, मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ, और मैं रात को करीब 10 बजे यहाँ पे पहुँचा था, आपने गाड़ी भेज के मेरे को होटल पे पहुँचवाया था, और उसी के साथ मैं अपने युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि जॉब के बजाय एक बार बिजनेस में कुछ ट्राई करके देखें, सर के पास आए, इनसे मिलें। मैं खुद 3-4 महीने से यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर रहा हूँ काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट को, और उसके बाद ही मैं यहाँ पर आया था, मेरा एक्सपीरियंस आज का बहुत अच्छा रहा, थैंक यू। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर नाम और क्या नाम है? हाँ, तनवीर चौधरी नाम है मेरा। जी, सबसे पहले मैंने आपको यूट्यूब पर देखा था। जी, जो ये होम क्लीनिंग के प्रोडक्ट हैं। जी हाँ, इसके बारे में पूरी डीपली नॉलेज ली वहाँ से, अब फिर ये रहा कि प्रैक्टिकल और देखें इसका करके। जी, तो बहुत शानदार तजुर्बा रहा आज का। और मैं ये कहना चाहूँगा कि नौकरी छोड़ दो, चाहे उधम छोटा करो, उधम करो। हाँ बिल्कुल, सर कमलेश सिंह उत्तराखंड से आए हैं सर, और यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, और आपने जिस हिसाब से बताया हमको ट्रेनिंग, बहुत अच्छा हमको सीखने को मिला यहाँ पर, थैंक यू सर। आपका सम्मान। मेरा नाम कुलदीप है, मैं सिरसा हरियाणा से आया हूँ, इसी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग का, एक दिल्ली में एक ने 10,000 बोला था एक प्रोडक्ट का। हाँ, और एक ने 15,000 के हिसाब से तो 1,00,000 हो गए, 15 के हिसाब 1,50,000। आपने 3,000 में सब बताया, जिसमें खाना नाश्ता भी है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, रात को रुकने की व्यवस्था है सारी पूरी, और आगे गाइडेंस भी मिलेगी आपको, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी जी, तो फिर आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो 10,000-15,000 में? मैं गया ही नहीं ना, यहीं पे बैठा हूँ आप। तो जी, युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? काम करो बस, जो भी है, मशीनों का कोई काम लग रहा है जैसे? मशीनों का कुछ खासा इन्वेस्टमेंट नहीं है, पहले लोगों ने बोला था मशीन लगानी पड़ेगी, मिक्सर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, जरूरत लग नहीं रही हमें, लोग बोल रहे थे फाइन क्वालिटी आएगी, ये आएगा वो आएगा। अच्छा, पर नहीं है, एक बार इन सब क्वालिटी को देखना है, इसमें क्लैरिटी कितनी है? बढ़िया क्लैरिटी है, जैसा हम देखते हैं आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं, वैसा ही है। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या नाम है सर, कहाँ से आए? सर हमारा नाम सिद्धू प्रकाश है, यूपी उन्नाव से ही आए हुए हैं। जी, हमने आपका जो है यूट्यूब पे देखा था तो ट्रेनिंग के लिए, तो फिर मैंने आपसे कॉन्टेक्ट करके फिर मैं आया, सारी व्यवस्था अच्छी लगी हमें यहाँ की भी, और ट्रेनिंग का भी तरीका बहुत अच्छा लगा। अब मैं यही चाहता हूँ कि और लोग जो बेरोजगार हैं वो लोग भी आगे आएं और अपना खुद का बिजनेस करें। हम भी नौकरी करते हैं लेकिन हम नौकरी नहीं करेंगे जी, अब इसी बिजनेस को डालेंगे और इसी में आगे बढ़ेंगे जी, तो ये हमारा उद्देश्य। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? विकास नाम है जी, सीकर से आए हैं, राजस्थान से। जी,
बढ़िया अनुभव रहा, जो आपने समझाया वो एकदम सही तरीके से जी। तो दिमाग बैठा, आगे चालू करने का विचार करेंगे। बाकी तो आगे ट्रेनिंग समझने वाली थी, हर चीज़ बारीकी से समझा दिया आपने जी। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाम और क्या नाम आपका सर? मेरा नाम राजू राम है, मैं नागौर राजस्थान से आया हूँ, और मैंने भी यूट्यूब पर ही देखा था, और मैं फिर आपसे बात की, 6 महीने पहले बात की थी, बात हुई थी आप, और 6 महीने पहले मैं आ नहीं पाया, और तो मैं 2-3 दिन पहले बात करके यहाँ आया। ठीक बताया, बहुत बढ़िया लगा जी। आपका सर नाम और कहाँ से आया? मेरा नाम साहिल कश्यप है, मैं मेरठ से आया हूँ जी। सो आपका, मैंने यूट्यूब पे देखी थी वीडियो, काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने 3 महीने पहले से देख ली थी आपकी वीडियो जी, फिर मैंने वहीं पर ही मतलब यहाँ से उठा के मैंने रीसेलिंग करी थी, मतलब वहाँ पे मेरठ में, फिर वहाँ पे काफ़ी अच्छा। उम्र कितनी है? मेरी उम्र 19 साल है। 18 से 1 साल ज़्यादा है? हाँ हाँ हाँ, 19 साल है बस मेरी। और वहाँ पे मैंने सैंपल भी ले गया था, फिर मैं रिपीट ऑर्डर भी आया उधर से मेरा, तो काफ़ी अच्छा, मतलब ये मान लो कि 30-35 हज़ार की सेल कर दी थी मैंने वहाँ पे रीसेलिंग से ही। अब मैं सोच रहा था मैंने मैन्युफैक्चरिंग का भी कर लें, फिर इसलिए मैं यहाँ पर आगे सीखने जी। कहने का मतलब है कि देखिए, 18-19 साल की उम्र में लोग सोचते हैं कि मैं 12वीं के बाद क्या करूँ, कि बीए करूँ, कि ये करूँ, कि वो करूँ, सीधा बिजनेस में लग जाओ, कुछ भी नहीं रखा, नौकरियाँ है नहीं। अब नौकरियाँ हों भी कहाँ से, क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ रही है, सरकार के पास कहाँ से आएंगी। कहने का मतलब है कि छोटा सा, एक छोटा सा उद्योग लगा लो, कोई भी लगा लो, लेकिन आपको बहुत बड़ा, वो बहुत कुछ देने वाला है 4 से 6 साल के अंदर। पढ़ाई भी तो करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर क्या नाम है और कहाँ से आए? हाँ जी, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है जी, मैं पंजाब फ्लोर से आया हूँ जी, और काबिया चैरिटेबल में बहुत अच्छा काम सिखा रहे हैं जी, और कोशिश कर रहे हैं। मैं सारे युवकों को कहता हूँ कि आके जहाँ आके काम सीखें जी, और बहुत बढ़िया तरीके से सिखा रहे हैं काम जी। जी आपका नाम क्या और कहाँ से आए? इनकी तो बिल्कुल अभी मूंछ ही आई है। मेरा नाम हरमन सिंह है, मैं भी पंजाब से आया हूँ जी, और बहुत अच्छा लगा कि जहाँ जैसे काम सिखाया जाता है, क्योंकि आज के समय में हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो नशे के दलदल में फंसती जा रही है, और जिसकी वजह से क्योंकि हम पंजाब से आए हैं, हमें भी पता है कि पंजाब का दौर कैसा चल रहा है, लोगों को काम नहीं मिल रहा, जो आज के जो बच्चे हैं वो नशे के दलदल में फंस रहे हैं। उनको यही कहना है कि अपना काम स्टार्ट करें, नशे वगैरह से दूर रहें और अपना काम करें और तरक्की करें। उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी उम्र 18 साल। 18 साल अभी हो गई होगी मेरे हिसाब से तो, है नहीं। कहने का मतलब है कि देखिए, इस उम्र में अगर सोच रहे हैं ना कुछ बड़ा, कहने का मतलब नशा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप अगर ऐसे ही सोचने लग जाओगे, जागरूक होंगे, तो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। हम भी देखो, हमारी भी उम्र है, लेकिन हमने 12-13 साल पहले शुरू कर दिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और बता देता हूँ, एक ही छत के नीचे आपको पैकिंग पाउच, रॉ मटेरियल, स्टिकर, डॉक्यूमेंट से लेकर सारा सब कुछ आपको इसी छत के नीचे मिलता है। देश भर में हमारी सप्लाई होती है। अभी सबको मैं फैक्ट्री में भी लेके चलूँगा, ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। और भी कुछ रह गए उनसे बात करवाना चाह रहा हूँ जी। सर क्या नाम है और कहाँ से आए? अरुण कुमार श्रीवास्तव, मैं गोंडा से आया हूँ जी। हाँ, यही चेस्ट ट्रेनिंग करने के लिए जी, यूट्यूब पे देख रहा था सर जी, देखने करने के बाद अच्छा लगा जी, आगे चल के काम किया जाएगा जी। जी जी, मेरा नाम जमील है और मैं जिला कोटा राजस्थान से आया हूँ जी, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है जी, और इसमें रोजगार बेरोजगारों के लिए अच्छा रोजगार है और कम इन्वेस्टमेंट में है जी, आप मेहनत करें और अच्छा रोजगार हासिल करें जी। जी सर, आपका नाम क्या और कहाँ से है? सर मेरा नाम अनमोल है, मैं फतेहाबाद से आ रहा हूँ, और काफ़ी टाइम से आपकी मैं यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहा था जी, तो आपकी वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा जी, तो मैंने बस ये सोचा कि नौकरी की वजह से अगर नहीं मिल पा रही तो ये बिजनेस काफ़ी बेटर है। सो जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये संदेश देना चाहता हूँ, नौकरी के पीछे मत जाओ, छोटा कर लो, खुद का कर लो। धन्यवाद। चलिए सर, आपका नाम क्या और सर कहाँ से है? जी जी, मेरा नाम दिलावर सिंह है, मैं दिल्ली से आया हूँ जी। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, बस चक दे फटे, बस ये तय कहूँगा। चलिए सर, आपका नाम क्या और कहाँ से आए? मेरा नाम अमन जैन है, मैं MP से आया हूँ, यहाँ के अच्छा लगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि इनका ही बताते, अपने कोई क्वेश्चन हो उसका भी पूरा जवाब मिलता है आपको, पूरा टाइम देते, व्यवस्थित एकदम अच्छे से सिखाते हैं। चलिए, आप चलिए, देश भर से पधारे सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट का लक्ष्य बढ़ाया है 2025 तक 5 लाख रोजगार पैदा करना है। अब तक हमने 25 से 30 हज़ार लोगों को सिखा दिया है, और हर संडे आप देखते हैं किस तरीके से यहाँ प्यार देते हैं लोग, भीड़ आती है, और देश भर का हमें प्यार मिलता है। और किसी के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ जाना, क्योंकि सच्चाई आपको देखो यहीं मिलेगी।
जमीन से जुड़े आदमी हैं हम आपको जानते हैं अच्छी से, आप हमें जानते हैं। कहने का मतलब है लास्ट में एक ही बात रह जाती है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज देश भर में जानी चाहिए और इसी तरीके से हम लोग जो है काम कर रहे हैं, देश भर में काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत यात्रा भी आपने देखी होगी, काफी हमने देश भर में लोगों को जाके प्रमोट किया था।